चैंपियंस। झूठा एविडेंस होगा तो झूठा एविडेंस क्यों होगा यार, एक चीज सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, झूठा एविडेंस क्यों होगा? आप लोगों की आंखें हैं ना, अपनी आंखों से देखो। आप चाहते हैं मैं करूं? मैं तो चाहता हूं आप कमाल करके दिखाएं। सोच लें। कर दें। कर दूं। कोई ऐसा काम है जो एक बार आप करेंगी फिर बार बार मैं करूंगा? हुँ. जी क्या ऐसा काम है? मैं वहां पे आके करूं। ओहो, यहां आना भी जरूरी है, वहां से नहीं करना? नहीं पास, मैं कहती हूँ करीब से करूँ। क्या? करीब आके करूँ। करीब से करना है? जी जी करें। वहां पे आ जाओ। जी आ जाओ। बॉस ये तो हिम्मत ले रहे हैं फिर। हाँ ना, पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। गंदी थोड़ी है, मैं तो आपको हंसा रहे ही कर रहा हूँ। ओके कर लो भाई, सीरियस हम। आपके कपड़े उतरवा सकती हैं? नहीं, बातों में या आप कहना चाहते हैं? सच्ची में, सच्ची में। बगैर हाथ लगाए? नहीं हाथ ही लगाऊंगी। मतलब हाथ, मतलब तुम कपड़े खींचोगी मेरे? नहीं मैं आपको कपड़ों पर तो हाथ ही लगाऊंगी, लेकिन जो चीज में। जी करे। इजाजत है? जी जी बिल्कुल। आप बेड मंगा दो। बल्ला? नहीं मैट्रेस, गद्दा, जिसे गद्दा कहते हैं। क्या मंगा दूं? बेड। बिस्तर? जी बिस्तर। बिस्तर लगवाऊं यार? हाँ। बिस्तर लगवा के क्या होगा? डेयर करूंगी अपना। डेयर करेंगे? जी। क्या डेयर होगा? वो तो जो मैं करूंगी आपको खुद पता चल जाएगा। 30 दिन, 1 घर, 1 करोड़। बोल चैंपियंस के स्ट्रेस टेस्ट में वकार ज़का को इंप्रेस करने अब आ रही हैं कराची की तूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूबा मंसूर जी बैठिए। तूबा आपने इंटर तक तालीम हासिल की है, आगे करेंगी या नहीं करेंगी? जी कर रही हूँ। कुछ बताएं अपने बारे में, कौन है तूबा मंसूर, क्या करती है, क्या उसके एम्स हैं, क्या जिंदगी में अचीव करना चाहती है? मैं शूट्स वगैरह करती हूँ। ठीक है। करती थी, छोड़ दिया। आपने यहाँ फॉर्म पे KL लिखा हुआ है, आई एम KL। KL क्या होता है? KL मतलब कमाल, कमाल लॉन्डी। क्या? जैसे कमाल, मैं हर जहाँ भी जाती हूँ कमाल कर देती हूँ। तो ये स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है कि मैं जहाँ जाती हूँ कमाल कर देती हूँ? फैक्ट है ये। अच्छा, KL का मतलब है कमाल लॉन्डी हैं आप? ओहो, कमाल लॉन्डी आई हुई हमारे पास। क्या ऐसा कमाल किया आपने जिंदगी में आज तक? बहुत कुछ। बहुत, उनमें से कोई टॉप 3 बता दें भाई। बहुत कुछ किया है। जिसे लगे आप वाकई KL है? याद ही नहीं है, बस मैं ऐसे ही हूँ बस। ऐसे नहीं, तुमने मुझे तो ऐसे फॉर्म पे मैंने इसलिए बाहर रोका भी तुम्हें कि मैं देखूं, मैंने कहा ये KL क्या लिखा हुआ है। मैंने टीम मेंबर से बोला भी कि अब जब कोई आए तो उसे बोलो पूरा भरा करे। आपने ऐसे लिख दिया KL ताकि मैं बोलूं वाह ये क्या चीज लिखी है इसने भाई, कमाल काम। ओह, शॉर्ट फॉर्म तो है, कमाल लॉन्डी के डिक्शनरी का वर्ड है क्या? मैंने तो पहली दफा सुना है KL। मैंने अपना बना दिया। तो कमाल आपने जो किए हैं उनमें से कुछ तो हमें भी कमाल दिखाएं। क्या दिखाऊं आप बताएं, मैं कर देती हूं। आपके अंदर जो भी कमाल आप कर सकती हैं वो बताएं, क्या कमाल कर सकती हैं ताकि मैं पता चले। पहले तो आपका देखना है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ कमाल चीज है भी, बस ऐसे ही शोखी में अपने आपको कमाल लॉन्डी। आप चाहते हैं मैं करूं? मैं तो चाहता हूं आप कमाल करके दिखाएं। सोच लें। ओहो, आप भी वही हैं जो हमारे शो में लड़की आती है, सोच ले देख ले। ऐसा करूंगी मैं कि उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि बस ड्रामे करूँ आके और चली जाऊँ। तो आप ऐसे ही बोलती हैं असल में भी या अभी यहाँ पर ऐसे बोल रही हैं? मैं ऐसे ही बोलती हूँ। या फिर आपको भी लग रहा है कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट है तो मैं ऐसे बोलूं? मैं ऐसे ही बोलती हूँ। ओह अच्छा, वाकई ऐसे ही बोलती हैं आप। क्या कमाल कर सकती हैं? बहुत कुछ यार। कुछ एक आध बता दो क्या कमाल कर सकती? बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप क्या करवाना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ आप खुद क्या सोच के आई हुई हैं। खुद कर दूं, सोच लें। जी कर दें। सोच लें। सोच लिया। क्या करना है?
सोच ले। अरे भाई ड्रामा खत्म करें, जो करना है करके बताएं, ताकि पहली चीज आप बताएंगी फिर हम कोई आपको चैलेंज देंगे। कुछ सोच के आइए तो कर दें बस। पक्का? मतलब ये जरूरी है किसको इतना सस्पेंस स्टार प्लस का ड्रामा बनाना है? वैसे ही क्या नशे में? नहीं। तो फिर? मैं नशे नहीं करती। एकदम इतना ज्यादा स्टे लंबा क्यों ले रही हो? वैसे ही। ती क्या कमाल कर सकती है? कर दूं। किसी ने बताया कि आपको इस तरह बोलना है, लंबी बात खींचनी है? नहीं। तो बस करें जो करना है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। इसमें क्या कमाल था भाई? मुझे आप बगैरती नहीं लगी आपको? नहीं, क्यूट। एक मिनट, अभी आपको क्या लगता है जब ये हैं? आप मुझे क्यूट से छोटे से बच्चे लगते हैं, इसलिए किया। अच्छा भाई, क्यों मतलब बच्चों को हम किस नहीं कर सकते? तो मैं आपको बच्चा लगता हूँ? हाँ। क्यों बच्चा लगता हूँ भाई मैं आपको? सबकी अपनी अपनी चॉइस। अच्छा, जब ये चीज ऑन एयर जाएगी तो आपको नहीं लगता लोग कहेंगे कि यार ये क्या बगैरती की आपने? तो बच्चों को किस नहीं करते? तो मैं आपको बच्चा नजर आ रहा हूँ? हाँ। किस एंगल से मैं आपको बच्चा नजर आ रहा हूँ? पता नहीं, बस मुझे लगे तो आप बोल दिया मैंने। आप बस ऐसे सोच के आई थी एक ड्रामा करना है मुझे इस तरह एक्टिंग करके? नहीं। मैं, आपको लगता है कभी जिंदगी में जब रिश्ता होना होगा और ये फुटेज यूट्यूब और हर जगह पड़ी होगी तो वो नहीं बोलेगा ये क्या कर रही थी तुम? तो मैं किसी ऐसे इंसान से शादी क्यों करूंगी जो मेरे बारे में गलत सोचे? आपको ये सही हरकत लग रही है? जब मुझे सही लगी मैंने कर दी। इसमें कोई कमाल नहीं था ये? जो भी था, जब ये फैमिलीज देखेंगी शो तो वो सोचेंगी कि यार इस लड़की ने क्या घटिया हरकत की है। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है जी कि मेरी जरूरत है वक्कार जका। जरूरत क्या मतलब होता है? मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। पहले मैं बहुत डरती थी, पहले मैं कॉकरोच से भी बहुत डरती थी। फिर मैंने आपके शोज वगैरह देखे, फिर मैंने आपका साइन देखा, मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली। मैंने आपकी पिक्चर अपने कमरे में भी लगाई हुई है, वॉशरूम में भी लगाई हुई है। कहाँ लगाई हुई है मेरी पिक्चर? वॉशरूम में। पिक्चर से क्या होता है भाई? वैसे ही बस लगाई हुई है। इस बात पे मम्मा से भी मेरी कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि यार तुमने पिक्चर क्यों लगाई हुई है। मैंने बोला बस वैसे ही लगाई हुई है। मुझे एक हिम्मत मिलती है आपको देख के, आपका ये साइन देख के। तो बाथरूम में कौन सी हिम्मत चाहिए होती है आपको? नहाते हुए आपको हिम्मत चाहिए होती है इसलिए मेरी तस्वीर लगाई हुई आपने। बाथरूम में क्या है आपके? सांप है, बिच्छू है, कुछ क्या भी है? नहीं है। तो फिर नहाते हुए हिम्मत किस बात? आपको नहाते हुए पानी से डर लगता है क्या? हाँ, कभी कभी पानी से डर लगता है नहाते हुए, तो इसलिए आपने पिक्चर लगाई हुई मेरी, तो उससे आपको हिम्मत मिलती है तो आप नहा लेती हैं। तो आपकी मम्मी मना नहीं करती कि ये? मम्मा मुझे बहुत डांटती है कि तुमने क्यों लगाई हुई है, हटा उसको। मैं नहीं हटाती। कब से मेरी तस्वीर आपके बाथरूम में? जब से मैं बड़ी हुई हूँ। तो बड़ी कब हुई थी आप? किस उम्र में आप बड़ी हो गई थी? 20 के बाद। अच्छा, यानी 2 साल से मैं आपके बाथरूम में लगा हुआ हूँ। कभी उतर जाते हैं, कभी लग जाते हैं। उतर कैसे जाता हूँ? मम्मा उतार देती हैं। अच्छा, मम्मा उतार देती हैं? कहती तो मम्मा तो डांटती है बहुत कि तुमने क्यों लगाई। पहले वो आपको पसंद नहीं करती थी, अब जब से आपने इतने काम किए हैं, बाहर जाके लोगों की हेल्प की है और स्नैपचैट पे जो आप एजुकेशन देते हैं। हाँ, एजुकेशन देता हूँ मैं। हाँ, सबको पता है। एक मिनट, आपकी अम्मी पहले पसंद क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो बोलती थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है और हर वक्त गंदी बातें और ये वो। तो स्नैपचैट पे मैं दर्स दे रहा होता हूँ? तो वही ना। लेकिन फिर अब जब से आपने ये सारे काम करना शुरू किए हैं, दूसरों की हेल्प करना, तब से मेरी मामा बोलती है कि हस्बैंड हो तो वकार जैसा। मैं आपका क्रश हुआ, आपकी मोहब्बत हुआ? आप क्रश मेरा कोई और है और जरूरत मेरी आप है। ये जो आपने आखिर में लिखा हुआ डिजायर, जी बिल्कुल, ये जानबूझ के कर रही है, वाकई है? ये वाकई है सर। यानी हम कैमरा तुम्हारे घर भेजे तो बाथरूम में पिक्चर होगी? बिल्कुल। और अगर नहीं हुई तो? और अगर हुई तो? अगर हुई तो सिलेक्ट, रिजेक्ट हो जाओगी अगर नहीं हुई। मुझे तो अभी फिर यहाँ से जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है आप एड्रेस बताएंगी और यहाँ से हम भेजेंगे कैमरा, और घर पे अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि तुम सिर्फ ये अटेंशन लेने के लिए सारा ड्रामा कर रही हो। डन हो गया। बाथरूम में कौन तस्वीर लगाता है? मैंने लगाई हुई है। जिसकी पिक्चर बाथरूम और कमरे में होगी वो क्रश हुआ ना आपका? नहीं, क्रश आप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं क्या हूँ?
जरूरत जरूरत होती है वही तो क्रश होता है। नहीं क्रश तो कोई और है, वो तो मैंने लिखा हुआ भी है। देखिए ये तो आपने 100% अटेंशन लेने के लिए लिखा। नहीं अब आप जो भी समझे। अच्छा जी इनके बारे में बताएं, कभी मुलाकात हुई है इनसे? हाँ मुलाकात हुई है जी। कहाँ हुई है? बहुत अरसे पहले मैं एक इस्लामाबाद की पार्टी में थी, प्राइवेट पार्टी थी, तो वहाँ पे ये बैठ के शीशा पी रहे थे। फिर ये मुझे देख रहे थे तो मैंने भी एकदम से इनको देखा तो मुझे अच्छा, तुम एक मिनट रिलैक्स हो जाओ, जितनी तुम घबराई भी लग रही हो ना मेरी तस्वीर से तुम्हें हिम्मत मिलती है। आज मैं सामने बैठा हुआ तो तुम हाथ पैर तुम्हारे इतने कांप रहे हैं, इस वक्त पूरा जिस्म कांप रहा है, डर लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर अच्छा आप इस्लामाबाद में इनसे मिली और इनसे मिलने के बाद इनसे क्या फिर हुआ? कुछ नहीं, इन्होंने देखा, फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई, स्मोक से हमारी बात हो रही थी। किससे बात हुई? स्मोक से, जैसे हम शीशा पी रहे थे तो वो उसने भी स्मोक बनाया, मैंने भी बनाया। अब जैसे स्मोक बनाते हैं तो वो जिस तरह से बना रहे थे तो वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे। नहीं क्या स्मोक से? क्या स्मोक से नंबर मांग रहे थे? स्मोक से नंबर मांग रहे थे जी। नहीं मुझे नहीं समझ आई। जैसे हम शीशा पी रहे होते हैं, एक वेव निकालते हैं, उससे जो है वो मेरा नंबर मांग रहे थे। एक टेक्निक होती है वो आपको नहीं पता। शीशे के धुएं से नंबर मांग रहे थे? कहां कहां से लेकर आते हैं आप लोग? पता नहीं। तो वो डायरेक्टली मांग लेते? नहीं बहुत सारे लोग थे, वो शर्मा रहे थे। वो शर्मा रहे थे, लेकिन आपको ये पता है कि शीशे के स्मोक से? जी बिल्कुल। ऐसा स्मोक में क्या होता है जिससे पता चलता है कि ये लड़का आपका नंबर मांग रहा है? और ये तो इतनी बड़ी हस्ती है जिनका आपने यहाँ लिखा हुआ है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो शीशे के स्मोक से कैसे होता है ये मुझे नहीं समझ आ रही बात। स्मोक तो स्मोक होता है, उसमें कैसे पता चलेगा नंबर? फिर भी पता चल जाता है। कैसे? क्या उसमें रिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं नॉर्मल धुआं जो निकालते हैं। अच्छा तो ये साहब आपको मिले, ये शीशा पी रहे थे और शीशे से स्मोक बनाकर आपका नंबर मांग रहे थे? जी बिल्कुल। तो फिर स्मोक से आपने भी रिप्लाई दिया होगा? मैंने दिया लेकिन वो हवा बहुत चल रही थी तो। ओहो रिप्लाई दिया हवा चल रही थी तो मेरा स्मोक नहीं बना सही से। तो आप जाके बात कर ली थी, स्मोक स्मोक क्या हो रहा है, आपको पसंद आई थी? हाँ मुझे क्यूट लगे। ये क्यूट लगे आपको ये शख्स? हाँ नहीं तो क्यूट है। तो ये ऑलरेडी शादीशुदा भी है? तो कौन नहीं होता आजकल? क्या मतलब? सभी होते हैं। नहीं सब, मैं तो नहीं हूँ। तो आप नहीं है ना, आपने तो करनी नहीं है शादी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शख्स तो शादीशुदा है तो वो तो सब भी होते हैं। खैर है क्या हो ये गया? क्या बोल रही हो कि वो आपका नंबर मांग रहे थे, स्मोक के थ्रू मांग रहे थे, बातचीत नहीं, सलाम दुआ नहीं हुई, हेलो हाय नहीं हुई? हुई थी, हेलो हाय हुई थी, लेकिन वो फिर उनको मैं पसंद आ गई थी तो वो फिर नंबर मांगने की ट्राई कर रहे थे। अच्छा आप उनको पसंद भी आ गई थी, पता है वो कितने बड़े? तो एज से क्या होता है? क्या लिखा है आपने बताया, किसका नाम है ये? तोबा ने किस पॉलिटिशियन का नाम लिया होगा, जानने के लिए एपिसोड के आखिर में देखें। शो वहीं से शुरू करते हैं जहां से लाड़काना के आमिर कराची की बर्गर लड़कियों की बात कर रहे थे। मलीर कैंट की लड़कियां आपको नहीं, आपको चाहिए खैबाने शमशीर। जी सर। डिफेंस? डिफेंस क्लिफ्टन। ये चाहिए आपको मॉल? तीन तलवार चाहिए आपको? तीन सभी तलवार? नहीं सर सभी नहीं। नहीं नहीं अभी नहीं, तीन तलवार दो तलवार ये आपका? उनकी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। पसंद पसंद तो कहीं की भी हो सकती है ना thinking, आपको तीन तलवार चाहिए और दो तलवार चाहिए? जी सर। ठीक है तो ये जो आपको इधर की लड़की, डबल मीनिंग हो गया। जी सर बोल। क्या बोला आपने? मैं डबल मीनिंग हो गया ना सर। डबल मीनिंग सर। डबल मीनिंग क्या चीज? ये लड़कियां सर मतलब डिफेंस की अलग हो गई, वो मलीर की, तो वो सोचेंगे उनके, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उनकी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि लड़कियां बुरी हैं वहाँ की या वो मतलब गलत काम करती हैं, इस हिसाब से नहीं कह रहा मैं। यहाँ लाड़काना की बुरी हैं वो नहीं, मैं एक थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। लाड़काना में भी होंगी वो, लेकिन मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया ना ही मुझे पता। तो क्लिफ्टन और डिफेंस कराची की लड़की कभी फंसी आपसे? नहीं सर। क्या कमी है आप में? पैसा भी है सब कुछ है सर। कमी नहीं, मैंने अप्रोच नहीं किया क्योंकि ईगो आ जाती है बीच में कि ज्यादा क्यों भाव दूं। लेकिन आपकी एक सोच है कि डिफेंस की लड़की कराची की, ज्यादा पीछे पड़ जाऊंगा ना सर। नहीं डिफेंस की लड़की अगर आपके सामने हो तो आपको मौका मिले तो आप कहेंगे यार ये बेहतर है मलीर कैंट से? हाँ ये तो सोच में। हाँ हाँ ठीक है में। ये है वो लड़की है कैमरा जो है ना, तो ये डिफेंस की वो लड़की है जिसको क्या कहते हैं, बर्गर ग्रामर स्कूल भी कहते हैं? ग्रामर स्कूल जी सर। आई बी ए?
आईबीए। कहाँ की पसंद है आपको? सर मुझे बर्गर अच्छी लगती है। बर्गर लड़की? हाँ सर। बर्गर लड़की क्या होती है? बर्गर वो होती है सर, एक ड्रेसिंग में होती है और मम्मी डैडी होती है, मतलब कि उसे पता नहीं होता इतना कुछ माहौल के बारे में। बर्गर लड़की को पता नहीं होता? इतना नहीं पता होता सर, दूसरों के बारे में अपनी सोच में रहती है, अपना ही कुछ करती है, रात को जागती है, सुबह में सोती है, मतलब अपना हर चीज़ करती है, अपनी मर्जी से करती है ना सर। मम्मी डैडी बच्चियाँ नहीं होती सर, उनकी तरह होती है सारा दिन, बस अपने ही दोस्तों में एक गैदरिंग रखती है, बस उनके ही गुलती मिलती है, शीशा पीती है, बस यही हॉबीज होती हैं उसकी। उसे क्या पता है लोगों में क्या होता है, उसके यहाँ झगड़े इतने होते हैं लड़कियों के, मतलब लड़कियां कराती हैं लड़कों के झगड़े, उसकी वजह से ये मुझे यूं देख रहा है, वो मुझे यूं देख रहा है, वहाँ भी शीशा बाहर में उसने देखा मुझे, ये बर्गर लड़की की डेफिनेशन कराती है। हाँ बर्गर लड़कियां ये कराती हैं झगड़े सर। तो आपको बर्गर लड़की पसंद है, आप बर्गर लड़की चाहते हैं? झल्ली लड़की होती है ना, झल्ली झल्ली टाइप, झल्ली हम उसे बोलते हैं सर, जो मतलब एक प्यारी सी हो, इनोसेंट हो। सिंधी में बर्गर लड़की को झल्ली बोलते? नहीं नहीं सिंधी में नहीं सर, झल्ली को झल्ली बोलती है। श्रद्धा कपूर है ना सर, जो उसने एक करेक्टर किया था एक विलन में झल्ली लड़की का, मतलब वो थी तो गरीब ही लेकिन एक झल्ली थी अपनी आजाद। अच्छा बर्गर लड़की आपको पसंद है ना? जो बर्गर तो ड्रेसिंग में। क्या ड्रेसिंग कैसी? और थिंकिंग में। क्या थिंकिंग? क्या थिंकिंग है कि उसे कुछ पता ही ना हो, मम्मी डैडी बच्ची हो, उसे अपना ही नहीं पता, अपने घर में सिर्फ घर में क्या होता है या घर में के बाहर क्या करना है, बस उसे वही पता। यानी जो बेवकूफ हो? हाँ बेवकूफ हो। बेवकूफ लड़की बर्गर बच्ची और डीएचए की लड़कियां ज्यादातर बेवकूफ होती हैं। होती नहीं है, वो दिखाती खुद को बड़ी समझदार होती, बेवकूफ है वो। मैं आपकी पर्सनैलिटी समझना चाह रहा हूँ। मलीर कैंट की लड़की तो आपने साइड करा दी, डिफेंस की लड़की की सोच बुरी होती है ना, उनकी सोच होती है कि अबाय के बगैर लड़की जाएगी ना तो मतलब लड़की बुरी बन गई, उनकी सोच ये है। तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती कि वो लड़की बुरी नहीं है। हाँ सर उसे जज मत करें, अगर उसके बाद अबाय के बगैर अपनी ड्रेसिंग में जा रही है ना, क्यों जज कर रहे हैं उसे? आपका मौका है, मैं खामोश हूँ। एक मिनट में कोई ऐसी बात बोलनी है, जितनी बर्गर बच्चियां हैं वो आपके फेसबुक पे आपको ऐड कर लें, फेसबुक की आईडी भी आप बता सकते हैं। अप्रोच सर, अप्रोच मुझसे कर सकती हैं आप, अगर सामने मिल जाऊं कहीं पे भी, यूं अप्रोच आप नहीं कर सकती हूं, मतलब मेरा मेरा अच्छा, मतलब फेसबुक पे ना करें, लेकिन आप ऐसे घूम रहे होते हैं डिफेंस में, ऐसे तो मिल गई तो बात कर लें। जी सर अगर डिफेंस में मिल गई बताएं आपको, यूं मेरे करेक्टर के बारे में पता नहीं चलेगा और मुझे आपके करेक्टर के बारे में मजबूरियां नहीं बतानी है, लड़की सामने खड़ी है। अब इसको तूने ऐसी बात बोलनी है कि आइंदा कभी तुझे बर्गर बच्ची नजर आए तो सेट हो जाए तेरे से। ये बर्गर बच्ची खड़ी है सामने, स्लीवलेस पहने, क्या स्लीवलेस पहना है, क्या पहना है सर? वो मैं उसका करेक्टर भी तो देखूंगा ना। कपड़े तो बता पहले, कपड़े जो तो पसंद है, कपड़े जो भी हो सर। नहीं अभी तुमने बोला कपड़े डिफरेंट होते हैं ना, कपड़े कैसे? वो बर्गर टाइप जो पहनती है ना लड़कियां, मुझे पता, मैंने नहीं देखी। टी शर्ट में हो या शर्ट में हो या जींस में हो चलेगी सर, बस मैं उसका करेक्टर दो तीन दिन। करेक्टर छोड़ो ना, अभी तो कपड़े है ना, करेक्टर तो बाद में। जो भी हो सर, कपड़े जो भी हो, ज्यादा बस दिखावा ना हो, मतलब हाथों तक। कहाँ तक हो? कहाँ तक? हाथों तक ठीक है, हाथ खुले हो, उसके जो टी शर्ट होती है या गला की, गला बड़ा हो या कम हो, ज्यादा बड़ा ना हो, कहाँ तक हो, मतलब जो फैशन होता है ना, एक फैशन सेंस हो उस लड़की में, एक फैशन जो मरियम पंजवानी है हमारे, मतलब उनका फैशन सेंस मुझे अच्छा लगा। मरियम पंजवानी सर सीईओ है और फैशन निष्ठा एक्ट्रेसेस का फैशन करती है वो, ड्रेसिंग मरियम पंजवानी का फैशन करती है जी सर वो, मतलब ठीक है। अच्छा ये सामने है आपको मरियम ही खड़ी है जी सर, वो अच्छी लगती है मुझे सर। कल्ले ऊपर हो गए आपके यहाँ जी सर, वो अच्छी लगती है मुझे। मरियम मरियम को बोलो। हाँ मरियम को बोले। मरियम मैं आपको मैसेजेस कर रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, मुझे आप वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छा लगता है, आप जो गाने गाती हैं इंस्टा पे रखती हैं वो भी, आपकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, इतनी बुरी नहीं है आपकी आवाज़, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर हो सके तो मुझे एक बार आप एक बार मुझसे दोस्ती कर लें, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, ना ही आपको मतलब दुख दूंगा, मैं आपको खुश रखूंगा हमेशा, आप मुझसे एक बार बात कर लें। ठीक है, अब वो बर्गर बच्ची खड़ी है, अगर उस दिन बर्गर बच्चियों को आप बताना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो पीस हूँ जो खर्चा भी करूंगा, खर्चे भी करेंगे आप? नहीं सर खर्चा नहीं। नहीं सर वो लड़कियां मतलब जो खर्चे वाली होती है वो अच्छी नहीं होती। अच्छा जो खाती है ना वो अच्छी नहीं होती सर, वो लड़की आप लड़की से खाएंगे? नहीं वो भी नहीं खाऊंगा, वो लड़की भी नहीं खिला रही, तू भी नहीं खिला रहा तो कौन खा रहा है फिर? सर शादी करूंगा ना मैं, क्यों चक्कर में पड़ूंगा, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मुझे चक्कर नहीं चाहिए। शादी करनी है आपने? हाँ, मरियम पंजवानी। हाँ सर शादी के लिए वो अच्छी है। हाँ, उसके साथ रिप्रोडक्शन? जी सर हंसना नहीं है जी सर, वो करना है रिप्रोडक्शन ना शादी के बाद। हाँ वही रिप्रोडक्शन आप चाहते हैं मरियम?
ठीक है, तो अब वो बुरा ना माने, मैडम बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारा नाम लिया है, तुम सेलिब्रिटी हो तो बहुत को तुम्हारे बारे में, सेलिब्रिटी है सर, सेलिब्रिटी जी सर, तो बहुत को तुम्हारे बारे में पता होगा। ये क्या होता है सेलिब्रिटी सर? जो आते हैं टीवी पे या को फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर होती हैं। और बर्गर बच्चियों को आप क्या बताना चाहते हैं जो आपसे शादी कर ले के लिए अप्रोच कर ले? अगर तुम चाहती हो कि सेपरेट घर हो तो सेपरेट घर मैं बना लूंगा, खरीद लूंगा, अगर सेपरेट बिजनेस हो वो भी कर लेंगे सेपरेट बिजनेस, अम्मी अब्बू मदद करेंगे मेरी, लेकिन अम्मी अब्बू की इज्जत रिस्पेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है, बाकी अप्रोच करना तुम्हारे अम्मी अब्बू का, अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है, वो भी मैं करूंगा। कहाँ अप्रोच करे, हो गया ये तो अपना बेचारी, कहाँ कोई पसंद कर ले आपको, इतने क्यूट है आप जी सर। ये ये आपने कहाँ से सीखा ये जो करते हैं? थैंक यू सर। ये सर हंसना नहीं है, देखो कोई सर अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा अगर तेरे कल्ले ऊपर गए जी सर, अगर कोई तारीफ करता है तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतना हूँ भी नहीं या नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इतना को अच्छा हूँ कोई मेरी तारीफ करे। नहीं अच्छे खासे तो है। नहीं सर मतलब इतना नहीं लगता कि खुद को मतलब इतना अच्छा हूँ कि कोई इतनी। आप चैलेंज पे आ जाते हैं ठीक है, क्या चैलेंज कर सकते हो सर? जो आप बोले सर। यहाँ खड़े हो जाओ। नेक्स्ट कंटेस्टेंट। वालेकुम सलाम जी, बैठिए, वहां बैठना है, इसको मुंह में रख लें, टूटना नहीं चाहिए, मुंह में रखें हाथ ऊपर, ये चैलेंज हिलना नहीं है, ये हिला तो आप रिजेक्ट। कहां से ताल्लुक है आपका? सर क्वेटा से। क्वेटा में कहां से? क्वेटा से जीना टाउन। तो क्वेटा से कैसे आए आप? सर बस में आया। कितना सफर, कितना खर्चा? 1800 रुपये लगे सर। तो क्यों आपने सोचा ये खर्चा करने का? फेम के लिए सर। फेमस सोना है, तो फेमस होने का प्लान क्या है? सर दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं वो हमेशा कहते थे कि आप जो है ना शोबिज की तरफ आ जाओ। फेमस होने के लिए मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं या टिकटॉकर टाइप आइटम है? मॉडल बनना चाहता हूँ सर। उतारे शर्ट, माइक लगाओ। नहीं सिर्फ शर्ट उतारे, शर्ट टी शर्ट नहीं, शर्ट सब कुछ नहीं उतारना ना। यहाँ आए खड़े हो जाए जी, ये रैंप है, करें जरा वॉक, कैसे करते हैं? ले आए इनका चैलेंज, तो सर पे रख लो, अब सारी बात ऐसे करनी है। अगर आपकी किसी से शादी हुई, वो लड़की का अफेयर किसी और से चल पड़ा बाद में, क्या करेंगे? उसकी मर्जी, अगर जाना चाहती छोड़ दूंगा, अगर रहना चाहती तो अपने साथ रख दूंगा। इधर खड़े हो जाए। हार माननी है आपने, जब हार माननी हो चले जाना, हिलना नहीं है। नेक्स्ट, अब्दुल मन्नान साहब ठट्टा में कहाँ रहते हैं? सर ठट्टा शिराजी मोला वार्ड नंबर 1। क्या करते हैं ठट्टा में आप? इलेक्ट्रिशियन हूँ, लाइट फिटिंग का काम करता हूँ। इन दोनों में से किसको हरा सकते हैं आप? क्या नाम है भाई का? इनको जो ये खड़े जी, या वो ये, ठीक है इनको हरा सकते हैं, अगर इनको नहीं हरा सके तो आप आओ बाय। अब जब मैं बोलूँगा गो, इस पूरे सेट पे कुछ टूटना नहीं चाहिए, कहीं भी आप टकराने नहीं चाहिए, जो ज़्यादा टकराएगा वो बाहर हो जाएगा। एक मिनट दूंगा पहले आपको, आपको इनको एक मिनट में उठा के पटक देना। गो, डिफेंड तो कर सकते हैं आप। तीस सेकंड हो गए, आखिरी 10 सेकंड है भाई। गो, अल्लाह हाफिज़। कितनी देर हो गई आपको? 10 मिनट हो गए। क्या बलोच नाम है आपका? बालाज। ये ले बालाज। वहां खड़े हो जाए ना, वहां खड़े हो जाए, खड़े तो हो जाए, खड़े हो जाए। किसका नाम लिखा है इस पे देखें? सिलेक्शन होगी भाई आपकी।
अस्सलाम वालेकुम सर। बैठने को नहीं कहा मैंने आपको। उस्मान मलिक जी सर, गुजरात से कब आए आप? सर मैं 2 दिन पहले। तो यहाँ ऑलरेडी कोई काम था? नहीं, इसी के लिए आया था, लेकिन मैं चाहता था कि रेस्ट करके सही एनर्जेटिक हो क्या रहा हूँ। जबरदस्त हो गया, बैठे। थैंक यू। तो गुजरात में कहाँ रहते हैं आप? सर मरगजार के पास, मौलादात कॉलोनी। बताएं गुजरात के बारे में कोई खास बात। गुजरात ये है कि दरिया चिनाब हमारा मशहूर शहर है, और लैला मजनू वहाँ के सबसे ज्यादा मशहूर स्टोरी है। कितना खर्चा हुआ यहाँ आने में? यहाँ आने में 1600। कहाँ रुके हुए यहाँ? मैं दोस्त के पास। क्यों आना चाहते हैं इस शो में? सर मैं एक एंटरटेनर हूँ। एंटरटेनर हैं आप? जी सर। इधर आए खड़े हो। ये खड़ा हुआ है बड़ी देर से बालाज, इसको हंसी आनी चाहिए लेकिन मुंह आपका इधर होगा। ठीक है, मैं एक्ट करता हूँ सर एक। ये मुझे नहीं पता एक्ट करोगे या कुछ भी। जी सर। ये हंस गया तो आप सेलेक्ट, आप हंस गए तो आप रिजेक्ट। अबू भाई नाले में गिर गए। अरे नुकसान हो गया, वो कम्बख्त नाले में गिर गया, अब उसको नहलाने के पैसे देने होंगे। अरे भाई फिक्रमंदी की बात है, कहीं चोट तो नहीं लगी उसे? अरे कुछ नहीं होता है, सैकड़ों बार हम भी गिर चुके हैं नाले में, बस हल्की सी बदबू रहती है, वो भी चली जाती है। जाओ उसे ले जाओ हमाम के पास और बोलो उसका सिर्फ मुंह धोए, बाकी बारिश होगी तो खुद ही नहा लेगा, और माँ को बोलो कि बारिश होने की दुआ करे। जाओ। ये आपके अब बेस्ट था? बेस्ट तो नहीं था। तो किस तो मैं तो यहाँ पर आपके साथ पूरे दिन गुजारने, मुझे आपसे जब कोई ये कहता है टीवी पे कि अपना कुछ करके दिखाएं तो आप सबसे बुरा करेंगे? ये सबसे बेस्ट था? नहीं सबसे बेस्ट नहीं था। तो बेस्ट करना चाहिए ना, इतनी दूर से ख्वारी करके आए हो, तो जब मौका मिलेगा तो बेस्ट करोगे या टाइम जाया करोगे? एक और ट्राई करता हूँ सर। एक आदमी गधा लेके जा रहा होता है तो बादशाह के पास हाजिर होता है, और बादशाह कहता है कि ये गधा कितने का है? कहता है 50 रुपए का। बादशाह कहता है 50 रुपए का, इतना महंगा? कहता है ये गधे की एक क्वालिटी है कि जब आप इसके ऊपर बैठे होंगे तो आपको मदीना नजर आएगा। तो उसने कहा वाकई? कहते हैं हाँ ये क्वालिटी है उसकी। कहता है चल भाई वजीरे माल बैठ इसके ऊपर। उसने कहा एक मिनट आका जहां, इस पे बैठेगा वही और नजर भी उसको ही आएगा नजारा मदीने का जो ईमानदार और सच्चा आदमी होगा। तो उसने कहा ठीक है अभी वजीरे माल बैठ। वजीरे माल बैठता है, वजीरे माल बैठता देखता कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब उसे पता है कि यार नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसके जहन में ये चल रहा है कि सारी रियाया देख रही है, और मैं बोलूं कुछ नजर नहीं आ रहा तो सारे ने कहना तू झूठा और तू मक्कार इंसान है, तू ईमानदार बंदा नहीं है। तो वो कहता है वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे यहाँ तो मक्के के साथ साथ मदीना भी नजर आ रहा है। तो कहता है उतर आता है। तो लोग बादशाह कहता है वाह जी वाह, चलो मैं भी देखता हूँ। बादशाह बैठता है, बादशाह को भी कुछ नजर नहीं आता। बादशाह उसकी तरफ देखता है, गधे वाले की तरफ, कहता है लगाया तो तूने मुझे चूना है। लेकिन वो कहता है सुभान अल्लाह क्या वादियाँ हैं, क्या नज़ारे हैं, आए हाय है आंखों की ठंडक पूरी हो गई। तो वो उतर के कहता है हाय हाय नज़ारे तो बहुत अच्छे आए हैं। तो इसी तरह वो मुझे 50 देता और वो लेके निकल जाता है। ये तो है तेरा फॉर्म। आप ये कपड़े उतरवा सकती हैं? नहीं बातों में या आप कहना चाहते हैं? सच्ची में सच्ची। बगैर हाथ लगाए? नहीं हाथ ही लगाऊंगी। मतलब हाथ मतलब तुम कपड़े खींचोगी मेरे? नहीं मैं आपको कपड़ा पर तो हाथ ही लगाऊंगी, लेकिन जो चीज में जी करें इजाजत है। जी जी बिल्कुल। Champions. ये तो है तेरा फॉर्म। दूर से आए हो अगर कराची में होते तो अभी हम बाहर भेज देते। घटिया परफॉर्मेंस है, काम करो इस पे जो भी कर रहे हो। अब आपने ये बताना है क्यों आपको बोल हाउस में लेके जाए। सर ये है कि आई कैन डांस, आई कैन सिंग। उर्दू? सर मैं डांस कर सकता हूँ, मैं सिंग कर सकता हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं पोइट्री भी लिखता हूँ। तो
सिंगिंग डांसिंग शो में जाओ यार, वो पाकिस्तान स्टार शो चलता है, वहाँ अप्लाई करो। सर ये है, यहाँ क्यों आए हो? ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो बुरा प्लेटफॉर्म है, टैलेंट को अपने उसमें जाओ ना, इसमें क्यों आए हो? टैलेंट को शो करवा भाई, वो सिंगिंग डांसिंग टैलेंट शो वो है जो बोल का दूसरा शो है, ये तो नहीं है वो शो। लेकिन ये इसमें भी इंटरटेनमेंट रिक्वायर्ड थी। हिम्मत वाला काम क्या कर सकते? हिम्मत वाला सिचुएशन है वो, आप अरे आवाज निकाल यार। सिचुएशन सर आप जो देंगे कोशिश करूंगा अपनी तरफ से फुल। खड़े हो जाओ, एक टांग ऊपर कर ले, पकड़ लो टांग। अच्छा टांग पकड़नी है, हिले तो गुजरात वापस। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठने को नहीं बोला मैंने आपको। सैयद हैदर अली दीपालपुर में कहाँ रहते हैं? ज़ियाउद्दीन कॉलोनी। ठीक है बैठो। थैंक यू। क्यों आए हो भैया? सर जो मेरे अंदर बॉर्न टैलेंट था वो सिंगिंग का था, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि चैंपियंस में गाओ। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, ओ दिल तेनू बस बस ठीक है, ठीक है। बैठी किसने बताया तुम गा सकते हो? सर मैं बचपन से मतलब घर वाले ही बताते होते हैं और दोस्त बताते हैं। क्या है तुम्हारी फेसबुक आईडी? क्या है फेसबुक आईडी? हैदर अली, सैयद अली। क्या तस्वीर है उस पे? उस पे तस्वीर लगी हुई है, एक पुरानी सी इमारत की लगी हुई है तस्वीर। तो पुरानी इमारत ही लग रहा है तो अभी भी, अपनी क्यों नहीं लगाई हुई तस्वीर? अपनी लगाई थी वैसे, बस चेंज कर दी सर। चलो ये तो तुम्हारी फेसबुक आईडी हो गई, शक्ल भी सबको पता चल गई जी, गाने का टैलेंट भी पता चल गया जी। सही है, मैंने कहा इतनी दूर से आयो कम से कम गा तो लो ना, ये तो चला गया। सही है, शो में क्या होता है इसमें? मुझे इसका जरा भी आइडिया नहीं है। जब जरा सा भी आइडिया नहीं है, डिटेल पढ़ी थी जो लिखी थी? डिटेल पढ़ी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि जो सर मुझे डेर देंगे। डेर शो नहीं है भाई जी। सर उसमें जो तफसीलात लिखी हुई थी, जहाँ आपने कहाँ देखा था ये प्रोमो? ये मैंने आपके फेसबुक पेज पे देखा था। मेरे फेसबुक पेज पे जी, उसमें तफसील पूरी दर्ज होगी। बिल्कुल तफसील। क्या थी तफसील? तफसील गुजरात वाले भाई, अगर अब तुम हिले ना तो यहीं से वापस जाओगे, ठीक है? इससे आसान देख वो क्या लेके खड़ा हुआ है, तेरे पास क्या है जी। उसमें ये था कि आपने आपके अंदर जो टैलेंट है ये डेयर कर सकते, एक मिनट की वीडियो बनाकर आप जल्दी बता यार, इतनी बड़ी तफसील थी उसमें एक लिखी हुई, ये शो क्या है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं वो नहीं पढ़ा था मैंने। तो ऐसे ही आ जाते हो जहाँ भी बस चले जाओ, जहाँ टीवी का ऑडिशन है पहुँच जाते हो। नहीं, दीपालपुर से यहाँ तक आने में कितना खर्चा हुआ है? तकरीबन हो गया है 12 से 13 हज़ार। 12 से 13 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं। तो तुमने प्लानिंग नहीं करते ये पैसे खर्च करने से पहले? कुछ कमाते हो, कुछ करते हो? नहीं करता कुछ नहीं। कैसे आए 12 हज़ार रुपये आपके पास? भाई से लिए। देखो वहाँ से इतनी बड़ी खुआरी करके बगैर प्लानिंग के, पाकिस्तानी यूथ का मसला ये है, आपने प्लानिंग नहीं की, आपको पता ही नहीं है और आप आ गए हो ना। ये सिंगिंग शो है, सिंगिंग कॉन्टेस्ट तो नहीं है ना, तो आप जितना भी अच्छा गाओ हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे। क्या आप इंटरटेनिंग इंसान है? इंटरटेनिंग का तो ये है, आप देख लें कि अब मैं अंदर बैठा था तो ये देख ही जा रहा था अपने आप को, अपनी तरफ से मम्मी डैडी बन रहा था मैं कि ये इसको बटन को बंद कर लूँ, प्यारा लगूंगा, खूबसूरत लगूंगा। इसको करते करते सेट मैंने इसको 2 बार तोड़ लिया, फाड़ लिया इसको। सर इतनी बोरियत नहीं फैलाओ कि नींद आ जाए। यहाँ खड़े हो जाओ, तुम टांग नीचे कर लो। ये जो है हंसना चाहिए एक मिनट में, कुछ भी इसके साथ करके आपने हंसना नहीं है, ठीक है भाई? गो। ओ भाई ये क्या हाल है तेरे उस्ताद? ठीक है। हेलो गलत सुन भाई, हेलो ओ यार गलत सुन उस्ताद, ओ भाई मेरे पर तो देख, हेलो सुनियो क्या हाल है, ठीक हो, फिट हो, सब खैर है? खड़े जो मुंह इधर कर लो, मुंह इधर करो, किधर जा रहे हैं? इधर जी। गुजरात वाले भाई इसको हंसाना है आपने एक मिनट में, मुंह ऊपर करो भाई, कुछ भी करके हाथ लगा के जो भी गो। एक्ट करूं सर? मर्जी, गुदगुदी करें, कुछ भी करें हमें। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आप आ गई, बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगी, कहते हैं मेरी तरफ से कोई लड़की वैसे ही नहीं देखती कि आप डेट पे आ गई है। बैठे बैठे बैठे। वेटर भाई बात सुनो, ये लड़की मुझे भूखी लग रही है,
ऐसा कर जानी कि ना सारा महंगा मेन्यू छुपाया और गैस वाली जो बड़ी गैस वाली बोतल है वो ले जाए ताकि वो ही पिए और इसका पेट बंद हो जाए, ठीक है। और अगर 500 से ज्यादा बिल बनाना तो भाई मैं नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, ठीक है। और ना मेरे तेरे बर्तन धोने हैं, ठीक है, उससे ऊपर बड़ा तो तू लेके आएगा, ठीक है, चल जा, ठीक है। हाँ 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 मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हाँ वो वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं। अबे बात सुन, इतना ज्यादा तू डम कैसे हो सकता है? तू वो वाला स्टूडेंट है जो रट्टे लगा के जाता है और जो भी सवाल आए तूने अपना रट्टा लगाना है। मैंने तुझे हिंट भी दी कि तू उसे गुदगुदी कर सकता है, शायद चांस होता तुझे। तेरे पहले दो परफॉर्मेंस पे कोई नहीं हंसा तो इस पे लग सकता था कोई हंस सकता है। आप आ जाओ, ठीक है, आ जाओ अभी। जी जीनत बैठिए। आपकी उम्र में आपने लिखा हुआ है 35 प्लस। प्लस क्या होता है? 42। अच्छा 42 एज है तो 40 प्लस हुई ना फिर आप? नहीं, मैं सोचती हूँ कि कहीं आप एज की वजह से रिजेक्ट ना कर दें। नहीं, मैंने तो बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ है ना। ये शो कहाँ होता है? और नहीं नहीं मतलब जैसे जॉब के लिए जाओ ना तो एज की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? एज मतलब हमें फ्रेश चेहरा चाहिए। तो जॉब है यहाँ तो हमने कहा है ना 5 से लेके 50 साल 60 साल कोई फर्क नहीं। मैंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं था इसलिए। अच्छा, पढ़ा नहीं, बस उठ के आ गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बस मैंने ऐसे कंफ्यूजन में लिख दिया कि पहले ही ना रिजेक्ट कर दें। नहीं 35 प्लस नहीं है, 40 प्लस। कोई मसला नहीं है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। क्यों आना चाहती है इस शो में? बस कुछ करना चाहती हूँ, मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। मैं कोई ऐसी डेयरिंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं बोलूंगी मैं ये कर सकती हूँ। डेयर शो है भी नहीं है। हाँ मतलब लेकिन ये तो है कि अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस करना है। हाँ, आपने इस पूरे फॉर्म में निल 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 लिख दिया है। वो ऐसा कि कोई मेरा मतलब इस तरह जो लिखा है ना उसका वाकया मेरे साथ पेश आया नहीं ना। ठीक है, आपने लिखा, हमने कहा अपने आपको अपने नंबर देने 10 में से, तो आपने लुक्स में कितने नंबर दिए आप? 9। और इंटेलिजेंस में? आई थिंक 8 या दिमागी तौर पे कितने दिए? 8 दिए शायद। 10 दिए हुए आपने? 10। यानी आपका दिमाग तेज चलता है? चलता तो है, कभी कभी वो भी हो जाता है, लेकिन आपके सामने शायद थोड़ा कंफ्यूज हो। ऊंचा बोलना है। एंटरटेनमेंट में आपने लिखा है 8, ठीक है। मोरल वैल्यूज आपने कहा जी 10, ठीक है। यानी दिमाग आपका मतलब, चलता सॉरी हाँ बोले जी जी, मतलब मुझे समझ आया ना कि ठीक है तो, मसला नहीं है, हम तो देख रहे थे आपको अपने बारे में क्या पता है। शादी हो गई आपकी? ठीक है। हस्बैंड क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनसे पूछ के आई आप? साथ आए, वो बाहर बैठे हैं मेरे सुबह से मेरे साथ। कितने बजे आए थे आप? हम लोग आए थे तकरीबन 12:15। तो उनको क्यों साथ ख्वार कर रही हैं? तो वो बैठे हैं ना, वेट कर रहे हैं। मैं तो बल्कि जा रही थी, मैंने कहा मैं इतना वेट नहीं कर सकती, तो उन्होंने ही मुझे बोला है कि नहीं जब आई हो तो करो, बस एक दफा ट्राई करो। तो उन्होंने कैसे मान लिया? ये तो बड़ी हिम्मत की बात है कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी बेगम को यहाँ लाया और कह रहा ठीक है मैं सुबह। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मैं अभी फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ ना, मतलब मैं हाउसवाइफ थी लेकिन मुझे कुछ करना था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मतलब तुम जो करना चाहती हो करो लाइफ में, मेरी तरफ से कोई पर वो नहीं है। तो फिर मैंने अभी फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन ले लिया, मुझे 2 साल मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला। लव मैरिज है आपकी? नहीं लव मैरिज नहीं है, ऐसा लव मैरिज नहीं है कि अफेयर चलो ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मेरे हाँ कर दिया, शादी होगी। कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? 9 साल हो जाएंगे नवंबर में। कैसे मिले थे आपको ये? मुझे ऐसे मिले थे कि मेरे जो बड़े बहनोई है ना उनके फ्रेंड है ये। इस शो में तो अगर और लड़के भी होंगे, अगर उनमें से किसी से आपका चक्कर चल गया ये हो ही नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल ही नहीं, मैं ऐसे ही हो ही नहीं। आपको कोई लड़का पसंद आ गया? हो ही नहीं सकता। फर्ज करें आ गया? नहीं हो सकता। नहीं आ गया तो हो ही नहीं सकता ना, मैं हूँ ही नहीं ऐसी, मुझे पता है मैं अपने हस्बैंड के अलावा सोच भी नहीं सकती किसी के बारे में। ये कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक है। फर्ज करें आपके हस्बैंड नहीं होते तो क्या इनको हस्बैंड बना लेती? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या मसला इनमें? इसलिए कि मेरी जब शादी से पहले ना मैं वो वैसी बंदी नहीं थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे शौक ही नहीं था शादी करने का। लड़कियों में इंटरेस्ट था आपका? कुछ भी नहीं था, मुझे बस ये था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे बस कुछ करना है ये था मेरी लाइफ में। क्या किया आपने शादी से पहले तक? आपने क्या किया? मैंने स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया, जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी मैं एक्टिविटी मतलब उनको हम लोग स्टेज शोज करवाते थे, एक्टिंग सिखाती थी। आपको पता है इस शो में होता क्या? नहीं मुझे ये पता है कि ये आप इसमें एक्टिविटीज करवाएंगे, मतलब कुछ टास्क देंगे तो वो कुछ नहीं, बहुत उल्टे फुलटे टास्क, उल्टे पुलटे जितना कर सके मैं करूंगी, मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूंगी। आइटम नंबर देखे हैं आपने? जी देखे। ठीक है, आइटम नंबर पे आपने डांस करना है अभी, अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप जा सकते हैं, सोचकर अपनी मर्जी से करना है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई इतने अहम शो नहीं है ये। मेरे लिए बहुत अहम है। अपनी मर्जी से कर रही हैं आप? हाँ अपनी मर्जी से करूंगी जी।
और गाना गड़बड़ हो जाए कोई मसला तो नहीं। अरे भाई गाने का कंपटीशन नहीं है, चले। अच्छा दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल साहिल पे खड़े तुम गाने में। तो गाने भी नहीं आ रहे मुझे। आ जाएं, बैठ जाएं। एक महीने आपको रहना होगा एक घर में बगैर मोबाइल फोन के, कैसे रहेंगी? रह सकती हूँ। हस्बैंड बाहर ही रहेगा? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है। अपने बारे में कुछ मजे की चीज बताएं मुझे, आप बोरिंग लग रही हैं। मजे की चीज बस क्या बताऊं, मैं कूल हूँ, बहुत बहुत हम्बल हूँ। आप कूल है? बहुत कूल हूँ। कूल होना क्या होता है बताएं? मतलब मैं बहुत ठंडे मिजाज की हूँ, मतलब बहुत मैं मतलब इतना गुस्सा मुझे नहीं आता, मतलब कि मैं खामखा गुस्सा बहुत बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं बहुत कूल हूँ, ये मैं अपनी क्वालिटी समझती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता। किस चीज से डर लगता है आपको? डर जानवरों से। किस किस्म के जानवरों से? रेंगने वाले। रेंगने वाला लाओ भाई जानवर। दे दो भाई ने पकड़ ले। पकड़े थोड़ा ऊपर लेके जाए, नीचे रखे थोड़ा पकड़े और खड़ी हो जाए। नेक्स्ट होंठों से लगाए इसको, होंठों से हटेगा तो आप आउट है। हाथ से गिरा तब भी आप बाहर है, बस यू रखना है। बैठे, क्या नाम लिखा आपने? साजदा। साजदा जी। घर से पूछ के आई हैं आप? जी। किसके साथ आई हैं अभी? अकेली आई। एट क्लास में आप? पढ़ा है। पढ़ा वहां तक है जी। काफी देर से वेट कर रही होंगी जी। कितने बजे आई थी? 12 बजे। अब क्या बज रहे हैं रात के? 9-10। 9-10 बज रहे हैं। क्या है आपके अंदर ऐसी खास चीज जिसकी वजह से आपको लें और इनको ना लें? ऐसी कोई खास चीज ये तो मुझे भी नहीं पता, वही देखने के लिए तो मैं इस शो में आई हूँ। तो घर पे बैठ के देखें? नहीं, डेयर तो आप देखें। डेयर शो तो है ही नहीं। 8वीं तक क्यों पढ़ा, उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा आपने? बस घर की कोई प्रॉब्लम। तो घर में अगर प्रॉब्लम है तो इस शो में क्यों आना चाहती है? कोई काम करें, घर वालों की हेल्प करें। इस शो से घर वालों की हेल्प तो नहीं होने वाली, ये तो पता है ना आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं सिर्फ ये शो में आ रही हूँ तो मैं जॉब वगैरह नहीं करूंगी, सारे काम छोड़ छाड़ के इस शो में आ रही हूँ, घर छोड़ के, जॉब छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के। जॉब भी है और वो भी। क्या जॉब है? सलोन में जॉब करती हूँ। क्या करती है? मेकअप करती। अच्छा, आपने क्या लिखा है सबसे एक्सट्रीम चीज क्या किया आपने? झूठा एविडेंस होगा तो आप? झूठा एविडेंस क्यों होगा यार, एक चीज सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, झूठा एविडेंस क्यों होगा? आप लोगों की आंखें है ना, अपनी आंखों से देखो। दिखाओ। Champions. अच्छा, आपने क्या लिखा है सबसे एक्सट्रीम चीज क्या किया आपने? रात को कब्रिस्तान गए। आवाज तो निकालो। रात को कब्रिस्तान गए थे अपने दोस्तों के साथ। क्यों गई थी कब्रिस्तान? ऐसे ही बस, उन्होंने कहा था कि देखते हैं कि कौन डरपोक है, तो फिर खड़ी हो जाए। ये पकड़े, ठीक है। अब उनके पास क्या चीज है? पता नहीं। क्या होता है ये? पता नहीं। अरे कुछ तो बोलो,
मगरमच्छ जैसा लग रहा है। मगरमच्छ है? नहीं, उसका छोटा कुछ पीस लग रहा है। उनके हाथ से पकड़ लो, ये हाथ से गिरना नहीं चाहिए। दे दो। हाथ से गिरा तो आप रिजेक्ट। अंडा होने दे दो। अंडा मुंह में रख ले। लगा ले इसको होंठ से, जैसे उन्होंने लगाया वरना। अंडा मुंह में नहीं जा रहा। लगाए लगाए, अगर नहीं लगा सकेंगे तो फिर आप जाना पड़ जाएगा। ये तो जी जीनत, आपने तो बड़ा कमाल किया, अंडा मुंह में रख लिया। निकाले, रखे यहां। थैंक यू सर, थैंक यू। इधर आ जाए। रो क्यों रही है, क्या हुआ? रो क्यों रही है? तो रोने की क्या बात है इसमें? सिलेक्शन पे रोना आ रहा है आपको? इसलिए कि हर जगह से रिजेक्ट हुई हूं ना। हर जगह से मतलब? कोई जॉब के लिए मैंने काफी जगह अप्लाई किया, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को मैंने किया, तो उन्होंने इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया गया। और एजेंट तो हमें फ्रेश चेहरे चाहिए। हालांकि मुझे काम आता है, बहुत अच्छा काम आता है मुझे, मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी हर चीज कर लेती हूँ। ब्रांड का क्या ताल्लुक है उससे? फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ ना, मतलब मुझे डिजाइनिंग बनाना, तो वही करूंगी जॉब तो मैं, और कहाँ करूंगी, अपना काम नहीं स्टार्ट कर। कैसा लग रहा है सेलेक्ट होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वहां खड़ी हो, क्या लिखा है इसके पीछे? बलोच बालाज, बालाज आपकी सिलेक्शन होगी, इनका है। इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए ना। अच्छा, दे दो सर। ठीक है बालाज। उसने भी स्मोक बनाया, मैंने भी बनाया। अब जैसे स्मोक बनाते हैं तो वो जिस तरह से बना रहे थे, तो वो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे। नहीं, क्या स्मोक से? क्या स्मोक से? नंबर मांग रहे थे। स्मोक से नंबर मांग रहे थे जी? नहीं, मुझे नहीं समझ आया। जैसे हम शीशा पी रहे होते हैं, एक वेव निकालते हैं, उससे जो है वो मेरा नंबर मांग रहे थे। एक टेक्निक होती है, वो आपको नहीं पता। शीशे के धुएं से नंबर मांग रहे थे? कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? पता नहीं। तो वो डायरेक्टली मांग लेते? नहीं, बहुत सारे लोग थे, वो शर्मा रहे थे। वो शर्मा रहे थे, लेकिन आपको ये पता है कि शीशे के स्मोक से? जी बिल्कुल। ऐसा स्मोक में क्या होता है जिससे पता चलता है कि ये लड़का आपका नंबर मांग रहा है? और ये तो इतनी बड़ी हस्ती है जिनका आपने यहाँ लिखा हुआ है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो शीशे के स्मोक से कैसे होता है ये मुझे नहीं समझ आ रही बात। स्मोक तो स्मोक होता है, उसमें कैसे पता चलेगा नंबर? फिर भी पता चल जाता है। कैसे? क्या उसमें रिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, नॉर्मल धुआं जो निकालते हैं। अच्छा, तो ये साहब आपको मिले, ये शीशा पी रहे थे और शीशे से स्मोक बनाकर आपका नंबर मांग रहे थे? जी बिल्कुल। तो फिर स्मोक से आपने भी रिप्लाई दिया होगा? मैंने दिया, लेकिन वो हवा बहुत चल रही थी तो। ओहो, रिप्लाई दिया, हवा चल रही थी, तो मेरा स्मोक नहीं बना सही से। तो आप जाके बात कर ली थी, स्मोक स्मोक क्या हो रहा है? आपको पसंद आई थी? हाँ, मुझे क्यूट लगे। ये क्यूट लगे आपको, ये शख्स? हाँ, नहीं तो क्यूट है। तो ये ऑलरेडी शादीशुदा भी है? तो कौन नहीं होता आजकल? क्या मतलब? सभी होते हैं। नहीं, सब मैं तो नहीं हूँ। तो आप नहीं है ना, आपने तो करनी नहीं है शादी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये शख्स तो शादीशुदा है, तो वो तो सब भी होते हैं। खैर है, क्या हो ये गया? क्या बोल रही हो कि वो आपका नंबर मांग रहे थे, स्मोक के थ्रू मांग रहे थे, बातचीत नहीं, सलाम दुआ नहीं हुई, हेलो हाय नहीं हुई? हुई थी, हेलो हाय हुई थी, लेकिन वो फिर उनको मैं पसंद आ गई थी, तो वो फिर नंबर मांगने की ट्राई कर रहे थे। अच्छा, आप उनको पसंद भी आ गई थी, पता है वो कितने बड़े? तो एज से क्या होता है? क्या लिखा है आपने बताया, किसका नाम है ये? तूबा ने किस पॉलिटिशियन का नाम लिया होगा? देखना यह है कि आप में से कौन गेस करता है। नेक्स्ट एपिसोड से पहले आप बेड मंगा दो। बल्ला? नहीं, मैट्रेस।
गद्दा, जिसे गद्दा कहते हैं। क्या मंगा दूं? बेड। बिस्तर? जी बिस्तर। बिस्तर लगवाऊं यहाँ? बिस्तर लगवा के क्या होगा? डेयर करूंगी अपना। डेयर करेंगे? क्या डेयर होगा? वो तो जो मैं करूंगी आपको खुद पता चल जाएगा। आपके कपड़े उतरवा सकती हूँ? नहीं, बातों में या आप कहना चाहते? सच्ची में, सच्ची। बगैर हाथ लगाए? नहीं, हाथ तो लगाऊंगी। मतलब हाथ, मतलब तुम कपड़े खींचोगी मेरे? नहीं, मैं आपको कपड़ा पर तो हाथ ही लगाऊंगी, लेकिन जो चीज में जी करे इजाजत है। जी जी बिल्कुल। बॉस ये तो हिम्मत ले रहे हैं फिर। हाँ ना, पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। गंदी थोड़ी है, मैं तो आपको हंसा रहे ही कर रहा हूँ। ओके, कर लो भाई, सीरियस है। कोई ऐसा काम है जो एक बार आप करेंगी फिर बार बार मैं करूँगा? जी क्या ऐसा काम है? मैं वहाँ पे आके करूँ? ओहो, यहाँ आना भी जरूरी है? वहाँ से नहीं करना? नहीं, पास मैं कितनी करीब से करूँ? क्या करीब आके करूँ? करीब से करना है? जी जी करें। वहाँ पे आ जाओ। जी आ जाओ। झूठा एविडेंस होगा तो झूठा एविडेंस क्यों होगा यार? एक चीज सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, झूठा एविडेंस क्यों होगा? आप लोगों की आंखें हैं ना, अपनी आंखों से देखो। दिखाओ।